हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्यामा गार्डन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, बारिश का मौसम चल रहा है और बिल्कुल वातावरण में ह्यूमिडिटी बनी हुई है, तो इस समय आप कटिंग लगाइए और इस समय आपकी कटिंग के 100% चांसेस रहते हैं कि आपकी कटिंग बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगी। तो मैंने भी कुछ कटिंग्स लगाई है दोस्तों, तो आज की वीडियो कटिंग पर ही रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं यही दिखाऊँगी आपको कि एक तो मैंने कौन सी कटिंग लगाई है, और अगर आप भी कटिंग लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, और उसकी सॉइल कैसी रहेगी, और कटिंग को किस तरह से लगाना है, वही आज आप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं देखिए कुछ तो रोड साइड से कटिंग्स लाई हुई हैं, ये बोगनविलिया की जितनी भी है सब रोड साइड्स की है, कनेर की सब रोड साइड की है, और कुछ मेरे पास प्लांट्स हैं उन्हीं की कटिंग्स मैं लगा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हमें क्या काम करना है, जितनी भी कटिंग्स आप लाते हैं फटाफट से पानी में डुबो दीजिए, और उसके बाद लगाने से पहले सारे उसके एक्स्ट्रा पत्ते रिमूव करके और उसको फंजीसाइड वाले पानी में आपने डिप करके रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रोसेस। इसी तरह बहुत सारी कटिंग्स हैं दोस्तों हमारे पास, ये देखिए ये टिकोमा की है और ये छोटी छोटी मधुकामनी की भी है एक दो मेरे पास। तो चलिए इसके लिए पहले मैं सॉइल बताती हूँ आपको कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये है कोकोपीट, तो एक पार्ट मैंने ले लिया है कोकोपीट और एक पार्ट मैं लूँगी, ये मेरे गार्डन की सॉइल है, एक पार्ट लूँगी मैं सैंड का। आप इसमें से कुछ भी एक में भी लगा सकते हैं आप, ना हाफ गार्डन सॉइल, हाफ सैंड, फुल सैंड और कोकोपीट और सॉइल इस तरह भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया एक पार्ट सैंड का हो गया, तो मैं इन तीनों का मिक्सचर बना लूँगी और इसको हम फिर अपने पॉट में डालेंगे। और इसमें क्या होगा कि कोकोपीट जो है वो मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगा, और जो मेरा सैंड का पार्ट है वो पानी को रुकने नहीं देगा। और मिट्टी जो है, थोड़ा सी मिट्टी होती है तो थोड़ा सा ना मतलब बाउंड करेगी इनको, कोकोपीट को और सैंड को। और जब थोड़ी सी इसमें रूट्स वगैरह निकली आएगी तो मिट्टी का होना जरूरी, थोड़ी सी ताकत मिलती रहेगी, वरना सैंड और कोकोपीट में कोई ताकत नहीं है कि हमारे प्लांट को थोड़ा सा दिन सर्वाइव करें। मान लो हमने महीना, दो महीना, तीन महीना कटिंग को लग जाता है, एकदम से कटिंग में रूट आती है तो हम रिपोर्ट नहीं करते, जल्दी से रिपोर्ट करेंगे तो खराब होने के चांस रहते हैं। तो मिट्टी का पार्ट होगा ना तो थोड़ा सा उसको ताकत मिलती रहेगी हमारे प्लांट को, तो इस वजह से मैं मिट्टी डालती हूँ। आप चाहें तो इसमें हल्का सा कंपोस्ट भी कई लोग डालते हैं, मगर मैं कंपोस्ट नहीं डालती हूँ, बस मैं इसी तरह से लगाती हूँ। तो चलिए अब इसको अपने पॉट में भर लेते हैं, हम इस तरह से उल्टा करके और इसमें दो के कर देंगे। इस तरह अच्छा सा भर गया और इसको हम टैप 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 कर देंगे ताकि अच्छी तरह से ये फिक्स हो जाए, अंदर कोई एयर बबल ना रहे। ये कर दिया हमने, और इसके बाद मैं ये जो फंजीसाइड के पानी में कटिंग्स भिगो कर रखी है तो ये पानी डाल दूँगी पहले, ताकि ये मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए और फिर हमें कटिंग डालने के बाद पानी नहीं डालना पड़ेगा, कि पानी थोड़ा ऑब्जर्व हो जाएगा इसके अंदर। ये देखिए कितनी जल्दी है ना पानी ऑब्जर्व हो गया। क्या करना है, जितनी भी हमारी कटिंग्स है इसमें मैं एलोवेरा जेल लगा दूँगी, तो इसके लिए मैं दो कटिंग्स बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हम सभी कटिंग्स में मैं एलोवेरा जेल लगा लेंगे। देखिए इस तरह मैं ना सब में एलोवेरा जेल लगा लूँगी, और जेल लगा के हमने इसको ऐसे रिपोर्ट कर देना है। रिपोर्ट क्या, तो इसमें मधुकामनी की भी है और टिकोमा की भी है, ये देखिए टिकोमा की है, मोटी है ये, और इसको मैंने थोड़ा सा तिरछा करके डाल दिया है। और ये है एक और पतली सी, तो इसको क्या करूँगी मैं ऐसे पूरा, इसकी जो तिरछी डंडी है ना
उसको ऐसे लगा दूँगी कि इसके पत्ते जो हैं इसमें टच ना करें मिट्टी में। और ये एक और पतली सी मधुकामनी की है, इसको भी हम यहाँ पर लगा देंगे। इसके थोड़े पत्ते कम करती हूँ, इसके ना पत्ते ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, क्योंकि तो बिल्कुल पतली सी डंडी है ये, तो इसके थोड़े से पतले पत्ते कम कर देते हैं हम, क्योंकि अभी रूट्स तो है नहीं, तो इनको खाना बनाने में, भोजन अपना बनाने में टाइम लगेगा। तो ये देखिए, इसमें हमने तीन टिकोमा की और दो मधुकामनी की लगा दी इस तरह से। और एक मैं लूँगी यहाँ से, ये देखिए एलमंडा, इसमें फ्लावरिंग आ रही है इसका ना, एक ये डंडी मुझे ज़्यादा ही नीचे ही लग रही है, तो ये मैं एक इसकी ये वाली काट लेती हूँ, ये मैंने काट ली है, और एक लगा दूँगी भी है एलमंडा की। एलमंडा की पहले भी दो लगा रखी है मैंने। बिल्कुल सॉफ्ट सी मिट्टी है फ्रेंड्स, तो हाथ लगाते ही ना जैसे स्टिक पूरी अंदर चली जा रही है, तो इसी तरह की सॉफ्ट मिट्टी होगी तो सही रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की मिट्टी बना के आप भी ना अभी बारिश के मौसम में फटाफट से कटिंग लगाइए और अपने प्लांट्स को बढ़ाइए। तो ये आज का वीडियो कटिंग पे था दोस्तों, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और आपने क्या करना है, इन कटिंग्स को लगा के और छायादार जगह में रखना है, एक जगह रख देंगे और इसको बार बार हिलाना नहीं है। और पानी अब इसमें जब ऊपर से हल्का सा हमें सूखा लगेगा तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी इसको देते रहना है, मतलब इसमें ना ही सॉगी होनी चाहिए मिट्टी और ना ही बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर लेवल को बस बनाए रखना है इसमें हमें। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर ऐसे पॉलीथीन भी ढक सकते हैं, मगर अभी तो हवा में इतना मॉइस्चर है ना, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। बाकी जब ड्राई मौसम होता है तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर या तो कोई चीज़ ढक दो या इसको पॉलीथीन से ढक दीजिए, और बस उसी का कारण यही होता है पॉली हाउस की तरह लुक देने का कि मॉइस्चर लेवल इसमें बना रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने इसमें फुल पानी डाल दिया था, पूरी मिट्टी मेरी गीली हो गई थी। और बाकी की कटिंग्स भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाकी की कटिंग मेरी, ये देखिए जो मैंने आपको दिखाई थी ना पानी में भिगी हुई, इसमें कई कलर के ना बोगनवेलिया हैं और दो कलर के इसमें कनेर है, सिंगल पेटल और डबल पेटल के कनेर हैं। और ये तो मैंने सभी कटिंग्स को इस तरह लगा दिया है, इसी तरह ये कटिंग भी आप इसी तरह की सॉइल में, सैंड में, किसी में भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो बस आज का वीडियो कटिंग पर था, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय श्री कृष्णा।